भी अच्छा तू जानता है तू इस घर का दबाद नहीं बेटा है। अब शादी के बाद हालात ही ऐसे थे कि तुम 12/24 का हिस्सा बन गए। और बेटा अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं अपनी सिम्बो की विदाई करना चाहता हूं। मंजू जी, सिम्बो की विदाई की तैयारियां शुरू कीजिए और अपने बहू के स्वागत की भी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। मैं वापस आ गया मॉम, हमेशा के लिए। बहन जी, मैं आपको आपकी बहू सौंप कर अपनी बहू अपने साथ लेने के लिए आया हूँ। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है भाई साहब। नहीं ना, आओ आओ अनुज, आइए भाई साहब, सुनिए देखिए कौन आया है। अनीता तू भी जल्दी से तैयार हो जा, भाई साहब और अनुज आए हैं तुझे लेने, जा। ना मेरी बेटी कहीं जाएगी और ना ही मेरे घर के दरवाजे किसी बाहर वाले के लिए खुले। मैं यहां सिर्फ आपका मान रखने के लिए आया था अंकल जी, लेकिन मैं जानता हूं यहां सिर्फ नफा और नुकसान ही समझा जाता है। और क्यों नहीं, क्यों इतने दिनों बाद इनको याद आया अपनी बहू के बारे में? क्यों इतने दिनों के बाद इनको याद आया कि तुम्हें यहां रहना चाहिए, इनकी बरसाती में नहीं? अंकल जी को सुनाने में आपका एक ही मकसद है, इन्हें इनकी औकात दिखाना। असल में डैड, आप अपनी औकात दिखा रहे हैं। आप जानते हैं आपकी औकात यही है कि आप दूसरों से इज्जत से बात ही नहीं कर सकते। बाय द वे डैड, मुझे अपने डैड के साथ रहना चाहिए, ये अंकल जी ने समझाया था। अपने डैड के गुस्से को माफ कर देना चाहिए, ये सिमी ने मुझे समझाया था। ये सब तो मुझे यहां रहते हुए कभी समझ में ही नहीं आता। ये संस्कार मुझे सिर्फ 12/24 करोल बाग में ही मिल सकते हैं। चलिए अंकल जी। अभी तनेजा साहब, रोकिए उसे। अभी भाई साहब, अभी बेटा, डॉक्टर शर्मा को फोन करो।